सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर चल रहा था, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली। एक हमने अभिक्रिया का वेग पढ़ लिया, अभिक्रिया का वेग के बारे में हमने पूरा स्टडी कर लिया। अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से, कितने प्रकार का होता है, दो तीन प्रकार का पढ़ा था, औसत, तात्क्षणिक और प्रारंभिक वेग पढ़ा था, है ना। उसके बाद में अभिक्रिया वेग को वेग स्थिरांक कैसे निकालते हैं वो पढ़ा था। कल पूरा उसके अंदर डिस्कस किया हमने, वेग कैसे निकालेंगे, उसका वेग स्थिरांक कैसे निकालेंगे। वेग स्थिरांक के बाद विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बारे में पढ़ा। विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है, जब क्रियाकारकों की सांद्रता सबकी बराबर हो जाए और इकाई के तुल्य हो जाती है, तब वो हमारा क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या निकली थी, बताया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका फॉर्मूला रहने वाला है इस चैप्टर में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसी के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सूत्र आप लोगों ने याद हो तो बताया, रिपीट करना, के बराबर हमारा क्या निकाला था हमने, लास्ट जो इकाई निकाली थी इसकी, वो क्या निकाली थी, के बराबर मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये निकला था हमारा लास्ट फॉर्मूला, हमारा ये वाला निकल गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को आ गया था कि भाई ये n चीज क्या है, जिसको हमने n बराबर का लिखा था x प्लस वाई प्लस जेड, ये लिखा था कि n बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, ये n चीज क्या है। n चीज हमने क्या बताई थी कि n यहाँ पर क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि, हम लोग लिख सकते हैं अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट जो डेफिनेशन होने वाली, नेक्स्ट हेडिंग होने वाली वो यही है कि हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे, अभिक्रिया की कोटि के बारे में। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किस प्रकार से इसको निर्धारित करते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। पहली चीज, हम थ्योरेटिकली इस चीज को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि के अंदर हम लोग को सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि अभिक्रिया की कोटि निर्भर किस पे करती है, जो भी हमारे क्रियाकारक हैं उनकी सांद्रता किस पे, मतलब कैसे चेंज होती है, कौन से क्रियाकारक की सांद्रता चेंज हो रही है उस पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की कोटि सांद्रता पर निर्भर करेगी कि अभिक्रिया, हम लोग देखेंगे कि जो भी रिएक्शन है हमारी, उस रिएक्शन में कौन से क्रियाकारक की सांद्रता चेंज हो रही है, अभिक्रिया की कोटि उस पर निर्भर करती है। क्रियाकारक कौन सा, किस क्रियाकारक है जिसकी सांद्रता चेंज हो रही है, उस क्रियाकारक पर हमारी क्या करेगी, अभिक्रिया की कोटि निर्भर करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखना, अभिक्रिया की कोटि में आप मेन 3-4 पॉइंट आपको लिखा देती हूँ, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज बस इसके बारे में यही है। पहली चीज, अभिक्रिया की कोटि होती क्या है, अभिक्रिया की कोटि के अंदर हम लोग 2-3 चीज पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर ये क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक संख्या जैसे कि हमारे 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकती है, ठीक है, या भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये कि जो हमारा n की वैल्यू है, n की वैल्यू वो कोई पूर्णांक संख्या भी हो सकती है और कोई भिन्न के रूप में भी हो सकती है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमें ये देखनी है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी हमारी अभिक्रिया की कोटि है, यानी कि जो हम पावर में लगा रहे हैं घातांकों का योग, अभिक्रिया की कोटि को हम लोगों ने कल क्या लिखा था, घातांकों का योग, किसके घातांकों का योग, क्रियाकारकों के। देखो कल हम लोगों ने लिखा था ना कि n, यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था कि वेग बराबर के a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z, लिखा था कि मैं लिखा था। अब यहां पर अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो अभिक्रिया की कोटि बराबर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर n, क्योंकि अभिक्रिया कोटि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी क्रियाकारकों की घातांकों का योग हमारा क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये घातांकों का योग है, ये घातांकों का योग कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है या फिर कोई भी भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है,
ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज देखो कि हम लोग जो भी रिएक्शन लिखते हैं उस रिएक्शन में जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट और अभिक्रिया की कोटि का कोई संबंध नहीं होता। सपोज हमारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस। कैसे, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस हम 100 तरीके से कर सकते हैं, कितने भी तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो किस प्रकार से इसको बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ N2+3H2 2NH3 करें, हम लोग नंबर बढ़ा के इसको अलग तरीके से इसका कोफिशियंट लगा के भी बैलेंस कर सकते हैं। तो उस टाइम पर मान लो एक बार हम लोगों ने ये कर दिया N2+3H2 2NH3, उसके बाद इसको डबल कर दो, 2 कर दो, इसको 6 कर दो, इसको फिर ये कितने मोल बन जाएंगे, उसके आधे मोल बन जाएंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उसको अलग अलग प्रकार से जब हम बैलेंस करेंगे तो हर टाइम पे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो अलग अलग नहीं होती है, वो हर टाइम पे एक ही रहेगी। कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे तो उस टाइम पे एक ही अभिक्रिया कोटि हमेशा एक रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या, दूसरा पॉइंट हमारा क्या निकलता है कि अभिक्रिया की कोटि का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक स्थिरांक से कोई संबंध नहीं होता है। अभिक्रिया कोटि का स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक से संबंध नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज हो गई, पहली चीज पूर्णांक संख्या भिन्नात्मक संख्या के रूप में हो सकती है, दूसरी चीज अभिक्रिया कोटि का स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक से कोई संबंध नहीं होता है। तीसरी चीज हमने क्या बताई कि जो हमारी अभिक्रिया की जो कोटि होती है कि अभिक्रिया की कोटि को हम सिर्फ और सिर्फ प्रयोगों द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, इसकी थ्योरेटिकली हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसका मान सिर्फ प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है। तो तीसरी चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसका मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है। प्रयोगों द्वारा निर्धारित कैसे होता है, प्रयोग करके ही हमें पता लग सकता है कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं है कि आप लोगों को ये दे दिया A+B+C इससे बन रहा प्रोडक्ट, मतलब इसकी कोटि बताइए, इस प्रकार से हम लोग कोटि नहीं बता सकते, अणुसंख्यता बता सकते। ठीक है, कोटि इस प्रकार से नहीं देख के बता सकते, कोटि जब हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज को तभी पता चलेगी। हाँ, बहुत सारे ऐसे हिंट है जिससे आपको थ्योरेटिकली पता चल जाता है कि उसकी कोटि क्या होती है, लेकिन वो आपको हिंट दिया हुआ होता है, लेकिन इस टाइप से नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमें कोटि निकालनी होती है तो वो हम लोग नहीं निकाल सकते। तो इसका मान सिर्फ प्रयोगों द्वारा ही क्या होता है, निर्धारित होता है। ये तीन चीज अभिक्रिया की कोटि के लिए हमें बहुत अच्छे से याद करनी है, इन पे नोट लिख के अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखो एक हमने इसके डेफिनेशन क्या लिखी कि क्रियाकारकों के घातांकों का जो योग होता है वो हमारी क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, दूसरी इसकी डेफिनेशन और हम लोग एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वो डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या बोल रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के अंदर कौन से क्रियाकारकों की सांद्रता प्रभावित हो रही है या चेंज हो रही है। जिस भी क्रियाकारक की सांद्रता चेंज होती है, जितने क्रियाकारकों की सांद्रता चेंज होगी ना, वही उस अभिक्रिया की क्या होगी, कोटि होती है। क्योंकि अभिक्रिया कोटि किस पर निर्भर करेगी, सांद्रता पर, क्रियाकारकों की, जिनकी क्रियाकारकों पर निर्भर करेगी, कौन से क्रियाकारक जो सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं। केस देखो कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं दूसरी डेफिनेशन कि अभिक्रिया की कोटि वेग निर्धारक पद का मतलब क्या हो गया, जो अभिक्रिया का वेग निर्धारित कर रहा है, और वेग निर्धारक में हमने वेग में सूत्र क्या लिखा था, वेग में हमने क्या सूत्र लिखा था कि सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, ऐसे लिखा था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, अणुओं की संख्या के बराबर होती है।
कैसे देखो, मान लो आपके पास ये रिएक्शन है, ए प्लस बी मिलकर के आप बना रहे प्रोडक्ट, ए प्लस बी मिलकर के आप बना रहे प्रोडक्ट। दो रिएक्शन को अच्छे से समझना, ये ए प्लस बी मिलाकर बना रहे प्रोडक्ट, ये भी ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे। अब यहाँ पर ए प्लस बी, ए मान लो हमारा जो ये दोनों ही रिएक्टेंट है, और यहाँ पर हमने बी को क्या ले लिया, पानी। आपको भी पता होगा जब भी हम लोग किसी भी रिएक्शन में पानी लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, तो उनकी सांद्रता में कोई फर्क नहीं आता, वो सांद्रता अपनी परिवर्तन नहीं करते समय के साथ। तो यहाँ पर बताना, यहाँ पर इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा ही नहीं, यानी वेग इस पर निर्भर करेगा ही नहीं, और वेग इस पर निर्भर करेगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ वेग निर्भर किस पर कर रहा है, एक ए पर। तो यहाँ पर अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी, एक। लेकिन यहाँ पर हमने बताया दोनों रिएक्टेंट्स ही है, हमें नहीं पता क्या है लेकिन रिएक्टेंट्स है, ठीक है, जिनकी सांद्रता निश्चित अमाउंट में चेंज हो रही है, तो यहाँ पर अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी, दो, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अब यानी कि वेग निर्धारक, जिसकी सांद्रता में परिवर्तन, वेग निर्धारक पद का मतलब यही है यहाँ पर कि जिसकी सांद्रता अभिक्रिया के दौरान जिसकी सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है, अगर परिवर्तन आ रहा है तो वो वेग निर्धारक पद में शामिल होगा। तो वेग निर्धारक पद में जितने भी शामिल होते हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स वेग निर्धारक पद में शामिल होते हैं, वो हमारी अभिक्रिया की कोटि के बराबर होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि क्रियाकारक जो है उनकी घातांकों के योग के क्या होते हैं, बराबर। मेनली तीन चीजें याद रख लो, फिर से रिपीट कर सकते हैं कि जो हमें अभिक्रिया की कोटि होती है उसकी संख्या कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, कोई भी भिन्न संख्या हो सकती है। दूसरी चीज, जो अभिक्रिया की कोटि है उसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, यानी कि इन तीन और इन दो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर अभिक्रिया कोटि इसका एक, इसका तीन, चार हो गई, ऐसा हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि स्टोइकोमेट्रिक गुणांक से कोई संबंध नहीं होता है। इसका मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित करना, प्रैक्टिकली जब हम लोग करके देखते हैं तभी हमें पता चलता है अभिक्रिया कोटि क्या निकलेगी, या फिर हमें कोई इकाई हिंट वगैरह मिली हो तब हम बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे देख के इस प्रकार से नहीं, थ्योरेटिकली हम लोग नहीं निकाल सकते। ये हो गई तीन चीजें, डेफिनेशन बताई दी, घातांकों क्रियाकारकों घातांकों का योग होता है, या फिर अभिक्रिया की कोटि के वेग निर्धारक पद में भाग मिलने वाले अणुओं की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि के बारे में इतना समझ आया। उसके बाद देखो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई भी रिएक्शन हो रही है हमारी, ठीक है, इनकेस मान लो सपोज ये रिएक्शन हो रही है ए ए प्लस बी बी, और इससे बन रहा है हमारा प्रोडक्ट उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा अभिक्रिया का वेग हो जाएगा वो समानुपाती किसके होगा, ये रिएक्टेंट ए और ये रिएक्टेंट बी, इन दोनों की सांद्रता के घातांकों की समानुपाती। अब घातांकों की क्या, घातांक इसका ए नहीं होगा और इसका बी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था ये तो क्या है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है, और घातांक इसके क्या लिखे थे हमने, एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पर वेग बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ये लिखेंगे। अब एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बराबर यहाँ पर क्या है, ये एक्स जो है वो इस ए की रिस्पेक्ट में कोटि है, तो एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर है क्रियाकारक ए की रेस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। और वाई बराबर क्या होगा, वाई बराबर किसकी पावर है, बी की, तो वाई बराबर हो जाएगा क्रियाकारक बी की रेस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन की ओवरऑल निकालते हैं अभिक्रिया की कोटि, तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से, तो एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई, एन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यानी दोनों की घातांक, जैसे मान लो यहाँ पर एक और एक हो तो कितनी कोटि हो जाएगी, एक और एक दो, तो अभिक्रिया कोटि दो निकल जाएगी, तो इस प्रकार से, ठीक है। अभी हमारा देखो लास्ट सूत्र क्या निकला था, वेग स्थिरांक का सूत्र निकला था मोल पर लीटर, वन माइनस एन और सेकेंड इनवर्स, ये सूत्र आप अच्छे से बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, इस सूत्र को अच्छे से याद कर लेना, इस सूत्र पे एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो
अब यहाँ पर एन बराबर हम लोगों ने देख लिया, ये रिएक्शन है, ये सब आपको याद भी हो गया होगा अच्छे से। इस प्रकार से हम लोग कल भी बहुत सारी रिएक्शन कर चुके हैं। ये वेग ए की पार एक्स बी की पार वाई, यहाँ पर एक्स क्या हो जाए क्रियाकारक, ए के रिस्पेक्ट में भी क्रियाकोटी और वाई बराबर क्रियाकारक बी के रिस्पेक्ट में, ओवरऑल निकालेंगे तो एन बराबर एक्स प्लस वाई। इतने तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आने के बाद ये सूत्र हम लोगों को याद करवाते कि अभिक्रिय का जो वेग हमने कल निकाला था पूरा, इसका डेरिवेशन या तो आप पूरा डेरिवेशन निकाल के कर सकते हो या फिर आप इस सूत्र से भी अकेले भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग इस सूत्र में अलग अलग वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट केस में हम लोग क्या लिखते हैं कि हम लोग एन बराबर रखते हैं जीरो। एन बराबर जीरो इसका मतलब क्या है, कोटि शून्य है, तो वो हो जाती है हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब यहां पर एन बराबर जीरो रखना जरा, के बराबर, अब देखो जब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक निकालेंगे तो यहां पर भी क्या लगा देंगे, के जीरो, क्योंकि ये किसके लिए वेग नियतांक है, शून्य कोटि के लिए, और शून्य कोटि के लिए तो यहां पर भी हम लोग क्या लगा देंगे, के जीरो, ठीक है। अब मोल पर लीटर ठीक है, वन माइनस एन की जगह क्या रखना है जीरो, और सेकेंड इनवर्स ठीक है। के नॉट बराबर मोल पर लीटर की पावर वन ही बच गया, वन माइनस जीरो मतलब वन, तो क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आपको कई बार डायरेक्टली एग्जाम में जब आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं 12 क्वेश्चन, तो उसमें डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग मतलब इकाई बताइए, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया हो रही है उसके वेग नियतांक की इकाई क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग नियतांक, एक नंबर का डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, इस सूत्र को याद करके आपको चाहे प्रथम पूछे, शून्य पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछ ले, उसमें आप एन की वैल्यू रखोगे और डायरेक्टली निकाल दोगे, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है, कि के जीरो बराबर मोल पर लीटर वन माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स, वन माइनस जीरो वन, तो मोल का तो हो जाएगा वन, वन लगाओ चाहे मत लगाओ, और लीटर यहां पर भी माइनस में है तो इसलिए हमने इनवर्स में लगा दिया और सेकेंड इनवर्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखो आप लोग सोच रहे होगे कोटि हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लो एक हमें क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या कि मैंने बोल दिया कि किसी भी अभिक्रिया का वेग नियतांक बराबर है 1.2 कुछ भी, ठीक है। आगे मैंने यूनिट ये लगा दी मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड, और पूछ लिया कि अभिक्रिया की कोटि बताइए, क्या पूछा कि कोई भी अभिक्रिया का वेग नियतांक मैंने ये दे दिया और पूछा कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो आपको हिंट मिल गई, अभी हिंट क्या मिली है, ये मिली है कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब इससे आप देख के बता सकते हो कि अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी, शून्य कोटि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आप अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हो, लेकिन आप सोचो कि रिएक्शन हमें दी हो उससे हम अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे तो वो निकालना नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें हम लोग को कोई हिंट वगैरह मिलनी चाहिए तभी हम लोग अभिक्रिया की कोटि थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं, वरना प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित की जाती है, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, क्वेश्चन भी होगा इस प्रकार से ही पूछा जाता है। दूसरा केस हम लोग क्या लेते हैं, एन बराबर वन, एन बराबर वन है यानी कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एन बराबर क्या लिखेंगे, वन, तो यहाँ पर के बराबर, अब देखो यहाँ पर के नॉट लिखा था तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, के वन लिखेंगे, फिर बताओ मोल पर लीटर वन माइनस वन, ठीक है, वन माइनस वन, उसके बाद सेकेंड इनवर्स। अब वन माइनस वन मतलब जीरो, ठीक है, तो के वन बराबर क्या हो जाएगा, अब देखना किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक, ठीक है। कोई भी चीज की पावर, अगर एक्स की पावर अगर हमारी जीरो है, साइड में ये लिख लेना एक्स की पावर जीरो बराबर वन, तो आपको समझ आ जाएगा कि किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन, ठीक है। तो यहां पर वन माइनस वन यानी मोल पर लीटर की पावर पूरी क्या हो गई,
जीरो हो गई, तो मोल पर लीटर की पावर जीरो हो गई, इसका मतलब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक के बराबर हो जाएगी। तो इसको तो मोल पर लीटर को तो लिखेंगे ही नहीं, तो ओनली क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है कि इसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया के का वेग नियतांक, यदि मान लो यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के बजाय अगर मैं सिर्फ इतना लिख दू 1.2 सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो उस टाइम पे आपको पता है सेकेंड इनवर्स किसकी होती है, प्रथम कोटि की। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है, एग्जाम में 17 में और पूछा भी गया है, शायद 17 में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, डायरेक्टली यही पूछा गया कि आपको एक क्वेश्चन दिया था, सेकेंड इनवर्स दिया था और पूछा था कि अभिक्रिया की कोटि बताइए। और एक दो बार ऐसे पूछा है कि डायरेक्टली पूछा गया है कि शून्य कोटि व प्रथम कोटि की इकाइयां बताइए, तो इकाइयां भी आप इसी तरह से निकाल सकते हो, और अगर इकाइयां बताओ तो कोटि बता सकते हो। ठीक है, दोनों चीज ही बता सकते हैं। ओके, तो इस वैल्यू में हम लोगों ने ये रख दिया। अब अगर हम लोग तीसरा केस लेते हैं, केस 3, एन बराबर 2, एन बराबर 2 है यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में क्या लिखेंगे हम, K2 बराबर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1-2 सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर 1-2 सेकेंड इनवर्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। इस पूरे पे इनवर्स है, अब देखो प्लस वाले पे इनवर्स है, यानी लीटर किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में, तो लीटर आ जाएगा पॉजिटिव में लीटर, फिर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार से हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग तरह इकाई निकाल सकते हैं। तो शून्य कोटि की, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, सबकी वेग नियतांक की इकाइयां भी निकाल ली। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है वो भी डिफाइन कर लिया है। अभिक्रिया की कोटि को अच्छे से पढ़ लेना, डेफिनेशन वगैरह, और इनको अच्छे से 3 पॉइंट उसके नोट डाउन अच्छे से कर लेना, पूर्णांक फिर कोई भी संख्या हो सकती है। दूसरा पॉइंट हमारा कि स्टोइकोमेट्रिक गुणांक से कोई मतलब नहीं होता, और तीसरा पॉइंट सिर्फ प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये पूरा, क्योंकि अभिक्रिया कोटि की डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप अच्छे से स्टडी करिए और पूरे अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। ओके, बाय।